सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे पैंथर भाई के बारे में। तो पैंथर भाई का अपने स्टोरी पे लिखना है, द नेक्स्ट सिंगल इज नॉट फॉर सिंगल्स, डजंट हैव मी सिंगल इन इट, इट हैज अ सिंगर, आई एम सिंगिंग इन इट एंड यू कैन ऑल्सो सिंग हर दैट सिंगल। तो देखते पैंथर भाई का नेक्स्ट ट्रैक कैसा होता है और कब तक आता है ट्रैक। तो चलिए बात कर लेंगे हनीपाजी के बारे में। सो बेसिकली आप लोग जानते हो हनीपाजी का एल्बम आने वाला है ग्लोरी। तो हनीपाजी अपने स्टोरी पे लिखे थे मास्टरपीस ग्लोरी चेयर्स लास्ट सॉन्ग ले, और जैसा कि हनीपाजी ने बताया था 12 तारीख को ट्रैक लिस्ट आएगा, तो हम सभी को आज ट्रैक लिस्ट देखने को मिलेगा। तो हम सभी लोग अभी हनीपाजी का ग्लोरी एल्बम का ट्रैक लिस्ट का इंतजार करते हैं। तो चलिए बात कर लेंगे किंग भाई वर्सेस एमए भाई बीफ के बारे में। सो बेसिकली किंग भाई का जो मैनेजर है श्वेता ओझा, उन्होंने अपने स्टोरी पे एक कॉमेंट को डाले थे जो की बेसिकली बीकेपी का कॉमेंट है, जिसपे लिखा था करियर खतरे में लग रहा है, और जिस कॉमेंट में करियर का स्पेलिंग गलत है तो उन्होंने सही करके लिखे थे अपने स्टोरी पे। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए एमए भाई के स्टोरी डाले थे जिसपे उन्होंने लिखे थे, इनकी मैनेजमेंट आ रही मेरे फैंस की इंग्लिश ठीक करने, पहले खुद के आर्टिस्ट का ठीक कर लो रे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्लेसमेंट खरीद के वहां जाके इंग्लिश हक दिया तुम्हारे बाबू ने, उधर भेजने से पहले इंग्लिश ठीक करवा लेते, वो छोड़ के मेरे फैंस को इंग्लिश सिखा रहे, अपन लोग बंटाई लोग है इंग्लिश नहीं हिंग्लिश बोलते हो अप्पा, अप्पा बीच में मत आओ, आर्टिस्ट को भिड़ने दो, इतने लोग आ रहे उसे बचाने, # आपा चले मत कर। तो इस सब पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर कहना, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हो ट्विटर के अंदर ऑल आईज ऑन एमयूए ट्रेंड कर रहा था, हालांकि डिस्ट्रैक्ट तो आज भी नहीं आया है, बाकी देखते कब तक आता है या फिर आता है कि नहीं। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।